हाय गाइस, मैं हूँ मोहिता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन स्टार स्टेशन। और आज हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज की, यानी कि मिर्जापुर की। मिर्जापुर का जो पहला सीजन है वो काफी लोगों ने पसंद किया था और तभी से ये डिमांड चल रही थी कि मिर्जापुर का सेकंड सीजन कब आने वाला है। तो आपको बता दूं कि कल रात को अमेज़न प्राइम पर मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज हो गया है। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड मैक्सिमम 1 घंटे का है। तो ऑल इन ऑल यू कैन वॉच दिस सीजन 2 इन जस्ट 10 आवर्स। मिर्जापुर की अगर बात करें तो अगर आपने पहला सीजन देखा हुआ है मिर्जापुर का और आप उसके फैन हैं, तो दूसरा सीजन आपको पहले सीजन से एक लेवल ऊपर यानी कि बेटर लगेगा। लेकिन अगर आपने मिर्जापुर का सीजन 1 नहीं देखा है तो डोंट जंप टू सीजन 2 एकदम से, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और जब समझ में नहीं आएंगी तो वो चीज़ें आपको एंगेज नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप पहले सीजन 1 देखिए और उसके बाद सीजन 2 देखिए। अब अगर बात करें मिर्जापुर के सीजन 2 के प्लॉट की, तो ये प्लॉट 3 शहरों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला शहर है मिर्जापुर, दूसरा है जौनपुर और तीसरा है लखनऊ। इन तीनों शहरों में रहने वाली 3 फैमिलीज की कहानी, उनके धोखे और उनके बदले की कहानी मिर्जापुर 2 में एक्सप्लोर की गई है और बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व की गई है। पहली फैमिली है कालीन भैया की फैमिली यानी कि त्रिपाठी फैमिली, दूसरी फैमिली है गुड्डू भैया की फैमिली यानी कि पंडित्स, और तीसरी फैमिली है दद्दा त्यागी की फैमिली, जिसको इस बार बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। उस फैमिली के अलग अलग कैरेक्टर्स से हम सबको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो किस तरह से ये 3 शहरों में रहने वाली 3 फैमिलीज अपने अपने हिस्से की कहानियां हमें बताती हैं और किस तरह से अपने साथ किए गए धोखे का बदला लेने के लिए कहानी किस तरह से इवॉल्व होती है, वो इस बार सीजन 2 में आप लोग देख पाएंगे। अगर बात करें कैरेक्टराइजेशन की, तो सीजन 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स और प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स इस बार हमें देखने को मिलेंगे। और इस पूरी सीरीज के कैरेक्टराइजेशन की खास बात यह है कि जब हम पहला सीजन देखते हैं और उस सीजन में हमें जो कैरेक्टर्स लगते हैं कि शायद ये कैरेक्टर्स साइड कैरेक्टर्स होंगे और इनमें बहुत ज़्यादा कुछ इवॉल्व होने को, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं है, वही साइड कैरेक्टर्स सीजन 2 में प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स बनके उभरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें मुन्ना भैया की, चाहे बात करें गुड्डू भैया की, जो कि सीजन 1 में थोड़े से लेस एक्सप्लोर्ड थे और कहीं ना कहीं साइड कैरेक्टर्स की फीलिंग हमें दे रहे थे, वो इस बार बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। उनकी अलग अलग शेड्स हमको देखने को मिली है सीजन 2 में। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट चीज जो इस बार सीजन 2 में होने वाली है, वो है इस सीजन के विमेन कैरेक्टर्स। जिस डिटेल में और जिस अलग अलग तरीके से इन विमेन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है और इसके लिए पर्सनली आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। चाहे वो रसिका दुग्गल का कैरेक्टर हो या फिर दद्दा भैया की जो पत्नी है जो अब विडो है उनका कैरेक्टर हो, सारे विमेन कैरेक्टर्स अलग अलग शेड्स में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किए गए हैं। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो अगर आप मिर्जापुर सीजन 1 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कहानी थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसका रीज़न है और वो ये रीज़न ये है कि सीजन 1 में सारी फैमिलीज, सारे शहर ऑलरेडी हमारे सामने एस्टैब्लिश हो गए थे, इसलिए अनरैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। लेकिन सीजन 2 का जो स्क्रीन प्ले है वो धीरे धीरे एक्सप्लोर होता है, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा खिंच रहा है, लेकिन अपने आप में कैरेक्टर्स और कहानी इतनी एंगेजिंग है कि वो चीज़ आपको बहुत ही कम बॉदर करती है। लेकिन यस, अगर आप सीजन 1 से इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सीजन 2 आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा। अगर बात करें इस सीजन के थीम की, तो इस बार की जो थीम है वो है धोखा और बदला, और किस तरह से हर एक कैरेक्टर अपना बदला दूसरे कैरेक्टर से ले रहा है और इसीलिए उसको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, वो इस सीजन में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लोर किया गया है। तो ऑल इन ऑल मिर्जापुर का सेकेंड सीजन काफ़ी अच्छा है, सीजन 1 जैसा ही है और उतनी ही अच्छी तरीके से ऑडियंस को एंगेज रखता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सी यू।